कोरोना को देख करके और ठोको राज चला करके इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए। चाचा शिवपाल और जयंत को साथ लेकर अखिलेश यादव का मास्टर प्लान, यूपी की सत्ता के लिए कैसे लड़ेंगे चुनाव, योगी को मात देने के लिए क्या अखिलेश है तैयार? टाइम सिंह यादव की राजनीतिक सक्रियता के दौर में सपा में हमेशा दो नंबर के नेता रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी भतीजे की पार्टी सपा से गठबंधन किया। प्रदेश के तमाम जिलों में शिवपाल की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा खड़ा है। काफी मशक्कत के बाद अब चाचा भतीजा साथ आए हैं तो कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि अब परिवार साथ है तो यूपी की सत्ता भी सपा के हाथों में ही जाएगी। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही यादव बाहुल्य सीटों पर शिवपाल यादव की अच्छी पैठ है। इनके साथ आने से सपा के आधार वोट बैंक का बिखराव रुकने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर चाचा के सामने भतीजे को सीएम की कुर्सी तक ले जाने की बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ है राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, जो पहली बार विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी की अगुवाई में लड़ने जा रही है। रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया। माना जा रहा है कि जाट बाहुल्य करीब 3 दर्जन सीटों पर रालोद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में बुरी तरह हार का सामना कर चुके इस दल के नए अगुवा के सामने पार्टी को फिर से गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ा करने की बड़ी चुनौती है और इस बार उनके साथ सपा की ताकत भी होगी। अखिलेश यादव ने इसी वजह से रालोद के साथ गठबंधन किया है कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में उनका दबदबा बने। जाट बाहुल्य करीब 125 सीटों पर इस दल की भूमिका को अहम माना जाता है। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, आगरा, अलीगढ़ यानी 6 मंडल के 26 जिलों में रालोद का खासा प्रभाव है। 2017 के चुनाव की बात करें तो 277 सीटों पर रालोद ने उम्मीदवार उतारे थे और महज छपरौली में ही जीत मिली थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस दल का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन अब खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुके रालोद प्रमुख जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जयंत चौधरी ने ऐलान किया कि वो आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनका ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब खुद सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रालोद ने पार्टी नेताओं के सामने ही सपा के साथ अपने गठबंधन की औपचारिक घोषणा की थी। गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने भी बोल दिया था कि दोनों पार्टियों के बीच समझौते को आखिरी रूप दे दिया गया है। आप एकदम सही बोल रहे हैं, इसके मतलब जयंत चौधरी को 100 सीट दे रहे हैं और राकेश टिकट को भी टिकट देंगे? नहीं, ये कहीं और से बात ला रहे हो आप। हमारी और जयंत चौधरी जी की और जितने भी हमारे साथ गठबंधन दल हैं उनके साथ सीटों का एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी जानकारी मिल जाएगी। आप में दंगा करने वाले ही सरकार में बैठ गए तो दंगे कहां से होंगे, सवाल ये है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, उसके लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी और लोगों को न्याय मिलेगा। और जो दंगे की बात कह रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा कह रहे हैं, तो कम से कम पत्रकार साथियों, भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये वाला आप पकड़ो। अगर दंगों का कह रहे हैं, अगर मैं बात कहूंगा दंगे की तो वो कहेंगे देखिए क्या बोल रहे हैं ये। आप एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखिए कि 12 से 17 कितने दंगे हुए और 17 से लेकर के अभी तक कितने दंगे हुए और महिलाओं के साथ कैसा उत्पीड़न हुआ है या और घटनाएं कितनी हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है कि छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ कितनी घटना घटी है यहाँ पर यूपी में? क्या उसकी संख्या बताएगी भारतीय जनता पार्टी? जो लोगों की जान गई है, मर्डर हुए हैं यहाँ पर, ठोको राज चला है यहाँ पर, कितने लोगों की जान गई क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी? इन्हें जन विश्वास रैली नहीं निकालनी चाहिए कोरोना को देख करके और ठोको राज चला करके? इन्हें जन माफी रैली निकालनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए कोरोना के लिए। बताया जा रहा है कि पार्टी पश्चिमी यूपी के जिलों की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत शामिल हैं। इसके अलावा 8 सपा नेता इस क्षेत्र में रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि चुनाव से पहले पार्टी 15 जनवरी से 12 फरवरी तक गांव गली दस्तक कार्यक्रम शुरू करेगी, जो पूर्व रालोद प्रमुख अजीत सिंह की जयंती का प्रतीक है।
अब अखिलेश यादव अपने मास्टर प्लान के साथ यूपी की सत्ता को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत में जुट चुके हैं। देखना होगा कि उनकी ये मेहनत क्या रंग लाएगी। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क के साथ।